हाय गाइस, वेलकम टू एसके ट्रैवलिंग डायरीज। आज का जो व्लॉग है वो मुबारक विलेज के हवाले से है, यानी हमने मुबारक विलेज की ट्रैवलिंग को एक्सप्लोर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग तकरीबन सुबह जो निकले हैं वो 4 बजे निकले हैं, और इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 6:30-7 का हो रहा है। हम लोग मुबारक विलेज से ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर दूर हैं, और तकरीबन 1.5 घंटा और लगेगा मुबारक विलेज तक पहुंचने में। अच्छा, मुबारक विलेज से कराची का जो फ़ासला है, या कराची से मुबारक विलेज तक का जो रास्ता है या जो डिस्टेंस है, वो तकरीबन 55-60 किलोमीटर है। तो बस हम अभी रास्ते में ही हैं, और ये कुछ रोड वग़ैरह के क्लिप्स हैं, और बीच में आपको कुछ पहाड़ियाँ वग़ैरह भी नज़र आएंगी, जो कि आगे वीडियोस में आपको नज़र आएंगी। छोटी छोटी क्लिप्स मैंने बनाई हुई हैं, तो वो भी देखें। इसके अलावा जब मैं पहुंच जाऊंगी मुबारक विलेज, तो फिर मैं आपको मुबारक विलेज का फ़र्स्ट क्लिप दिखाती हूँ। जी, तो आपने पिछली देखी हैं क्लिप्स वगैरह, वीडियो वगैरह, तो यहाँ पे हम थोड़ा रुके हैं स्टे के लिए। तो अभी थोड़ी देर में बस यहाँ से निकलेंगे, और फिर मुबारक विलेज पे जाके ही रुकेंगे। बस अब हम चलना स्टार्ट हो गए, थोड़ा सा हमने स्टे लिया था यहाँ पर। फाइनली हम मुबारक विलेज पहुंच गए हैं, और मुबारक विलेज की जो पहली क्लिप है वो कैसी है, वो ऐसी है ये जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। बहुत ही साफ़ पानी है, अच्छा पानी है, और अभी आपको इतना रश नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग सुबह जो है वो जल्दी पहुंच रहे हैं। हम 7:15 यहाँ पर थे, और पानी भी ऑलमोस्ट काफ़ी चढ़ा हुआ है, किनारे से बस थोड़ा ही दूर है। तो ये देखें आप पहली क्लिप। अच्छा, तो दोनों तरफ यहाँ बहुत बेहतरीन चट्टानें हैं, और इन चट्टानों पर लोग बेसिकली सेल्फियाँ बना रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा रश होना शुरू हुआ है, वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा होगा। मैं भी दिखाती हूँ, ये देखें।
तो लोग जो हैं वो इन पर पत्थरों पर आकर तस्वीरें सेल्फियां बना रहे हैं। और हमारा भी वहाँ जाने का मकसद यही है कि हम भी कुछ तस्वीरें वगैरह लें अपनी बेहतरीन सी, और ली भी थी, और तकरीबन कितनी 300-400 तस्वीरें तो ले ही ली होंगी इन चट्टानों पर, इन पत्थरों पर। और ये देखें आप कितनी बेहतरीन यहाँ की लोकेशन है, और तस्वीरें भी हमारी बहुत बेहतरीन आई हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ भी आप देखें, ये देखें, मैंने कैमरा ज़रा मैं इस तरफ करूँ, ये देखें कितनी बेहतरीन लोकेशन आ रही है, और यहाँ पर ये तस्वीरें वगैरह हम लोग लेने आए हैं। ओवरऑल बेहतरीन लोकेशन है, बेहतरीन पानी है, और सुबह के टाइम अगर आप आएंगे तो आप और बेहतरीन जो हैं यहाँ के नज़ारे और दिलकश जो मंज़र हैं वो देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें तो चढ़ना आइलैंड भी, वो अगर वीडियो में थोड़ा सा आप देखें तो चढ़ना आइलैंड भी यहाँ से नज़र आ रहा था, और इसके अलावा जहाज़ और कश्तियाँ भी बहुत दूर दूर थी लेकिन नज़र आ रही थी कुछ हल्की हल्की। तो काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया, बहुत बेहतरीन सा हमारा ये पिकनिक रहा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी यहाँ आएँ और देखें और इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करें। दैट्स इट, थैंक यू।